हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका टॉपेट मूवी वाला की एक और नई वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूं साउथ की बेहतरीन 8 मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के बारे में, जो आपको आखिर तक उलझा कर रखने वाली हैं। और आपको इन मूवीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8 पर आती है 2015 की ड्रामा थ्रिलर मूवी डॉन गाता। मूवी में आपको अदिवी शीश, प्रगति और लक्ष्मी मंचू जैसे कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। कहानी की बात करें तो तीन गुंडे एक एक्ट्रेस को किडनैप करके एक खाली अपार्टमेंट में छुपा देते हैं और अपार्टमेंट का मालिक एक जासूस होता है जो किसी किडनैप हुई लड़की को ढूंढने में जुटा होता है। तो ऐसे में आगे क्या होता है मूवी में, ये तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। मूवी अच्छी है जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं करने वाली। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5/10। नंबर 7 पर आती है साल 2021 की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी छुजाल, जिसमें नजर आने वाले हैं जफर अदीकी, निजी और अबीन मैरी जैसे और भी बेहतरीन कलाकार। मूवी की कहानी की बात करें तो 5 युवा एक हिल स्टेशन रिजोर्ट में रहने जाते हैं, जहां कोई चीज अपनी मौजूदगी जाहिर किए बिना उन्हें परेशान करने लगती है और उनकी जान पर बनाती है। तो वो कैसे अपनी जान बचा पाते हैं, कैसे इस समस्या से निकल पाते हैं, ये आपको मूवी देखकर पता चलेगा। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6/10। नंबर 6 पर आती है साल 2022 की मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी वध, जिसमें आपको संजय मिश्रा, नीना गुप्ता और मानव जैसे उम्दा कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। कहानी की बात करें तो कर्ज के बोझ तले दबे और कर्जदार द्वारा परेशान करने पर एक स्कूल टीचर की जिंदगी में एक मुश्किल मोड़ आता है जब उससे किसी का कत्ल हो जाता है। अब वो खुद को कैसे बचा पाता है, ये आपको मूवी में देखना होगा। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1/10। नंबर 5 पर आती है साल 2019 की एक्शन थ्रिलर मूवी थम्बी, जिसमें आपको कार्थी, अमु और ज्योतिका जैसे कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। कहानी की बात करें तो एक महिला अपने भाई विक्की को 15 साल के बाद घर लौटने पर स्वीकार करने से मना कर देती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा उसे लगता है और फिर उसे एक साजिश का पता चलता है। तो क्या है वो साजिश, आपको मूवी में आगे क्या क्या देखने को मिलता है, या आप मूवी में देख लेना। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8/10। नंबर 4 पर आती है साल 2023 की एक्शन थ्रिलर मूवी दशहरा, जिसमें आपको नानी, कीर्ति सुरेश जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी है धरनी, सूर्या और वेनिला तीनों अपने बचपन के दोस्त होते हैं। धरनी के लिए सूर्या की दोस्ती सबसे बढ़कर है, जिसके लिए वो अपने प्यार को भी त्याग सकता है। तो गांव में राजनीति के कारण इन दोनों दोस्तों पर हमला होता है। तो सूर्या और धरानी ऐसे में क्या करते हैं, आपको मूवी में देखना चाहिए, जो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.7/10। नंबर 3 पर आती है साल 2022 की थ्रिलर मिस्ट्री मूवी FIR। मूवी में आपको विष्णु, रेबा और राजिया विल्सन जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी है इरफान अहमद नाम के एक मुसलमान लड़के को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। ऐसा क्या होता है कि वो लड़का सबकी नजर में एक देशद्रोही बन जाता है और वो खुद को बचाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाता है, ये आपको मूवी में देखना होगा। और मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों आपको एकदम से चौंका कर रख देने वाला है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9/10। नंबर 2 पर आती है साल 2017 की साइंस फिक्शन मूवी रीसेट। मूवी में आपको यंग मी, वेलांस हुओ जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। मूवी की स्टोरी की बात करें तो जिया एक टाइम ट्रेवल मशीन को बनाती है। कहानी में मोड़ तो तब आता है जब उसके बेटे को कुछ किडनैपर्स उसी के सामने मार देते हैं। तो जिया अपने बेटे को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करने का सोचती है और ऐसा वो करती भी है। तो वो ये सब कैसे करती है, ये आपको मूवी में देखना होगा, जो आपको काफी पसंद आने वाला है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3/10। नंबर 1 पर आती है साल 2023 की क्राइम थ्रिलर मूवी अगिलान। मूवी में आपको जयम रवि और प्रिया भवानी जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी है जब एक क्रेन ऑपरेटर बीच समुद्र में इलीगल बिजनेस को चलाने लगता है तो उसका सामना कुछ गैंगस्टर से हो जाता है जो उसके खिलाफ खड़े होते हैं। तो आगे मूवी में क्या होता है, इसके लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.7/10। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।